यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बेसिकली दो पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इसके बाद नई शिक्षा नीति विस्तार में डिस्कस की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हाल ही की रिपोर्ट में कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो डियर एस्पायरेंट, यह जारी की है यूनिसेफ ने। आइए अब यहाँ पर यूनिसेफ के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसके हेड है हेनरीटा एच फोर और यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ डियर एस्पायरेंट्स है बेसिकली बच्चों को एक फंड प्रोवाइड कराता है, या यूनाइटेड नेशंस की संस्था है जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो यह भारत के पड़ोसी देश मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस बेसिकली अफ्रीकन कंटिनेंट का पार्ट है, यहाँ की कैपिटल है पोर्ट लौ और यहाँ की करेंसी है माल्टुएन रुपीस और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं प्रणविद जगनाउत। बेसिकली मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, यह अपने बीच की सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, यह घोषणा की है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ पर जो बेसिक नेशनल पार्क हैं वो हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, कोयलादो नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क और यहाँ पर वर्तमान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक घमासान चल रहा है। बेसिकली मुख्यमंत्री यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हाल में ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया था मृत्यु भोज पर रोक लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही कहाँ 12 अमृत फार्मेसीज की स्थापना किए गए हैं? तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले हम अमृत के बारे में जान लेते हैं, अमृत का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यह स्थापना की गई है जम्मू कश्मीर में। अमृत का पूरा नाम है एफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। बेसिकली यह मोदी सरकार का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एफोर्डेबल मेडिसिन अर्थात जेनेरिक दवाएँ सस्ते दामों में उपलब्ध कराने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही किसे UPI पेमेंट लिंक mpay.me लॉन्च किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, इसको लॉन्च किया है मोबिक विक ने। अब यहाँ पर आइए हम UPI के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर UPI की ऑनर संस्था का नाम पूछा जा सकता है, वो है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर UPI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि गूगल पे, फोन पे, भीम ये सब UPI के माध्यम से ही कार्य करते हैं। अब आते हैं हमारी नई शिक्षा नीति पर आधारित प्रश्नों पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हाल में ही बदल दिया गया है, अब उसका नाम क्या हो गया? तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके तहत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसके बारे में और भी जान लेते हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए इज राइट हियर। आइए और भी चीज़ें जान लेते हैं। यह शिक्षा नीति भारत में पहली बार चेंज नहीं हुई है, आज़ाद भारत की इतिहास की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया है, यह आज़ाद भारत की कौन सी भी एजुकेशन पॉलिसी है? तो डियर एस्पायरेंट, यह है तीसरी एजुकेशनल रिफॉर्म। इससे पहले 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आई थी, 1968 के बाद 1986 में आई थी, अब नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2020 में आई है। अर्थात इससे पहले आज़ाद भारत में अंग्रेजों के समय भी आई थी, लॉर्ड थॉमस बेविंगटन और 1954 में एजुकेशन पॉलिसी बनाकर लाए थे। तो आज़ाद भारत की यहाँ पर एक तीसरी एजुकेशनल पॉलिसी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है 6%। अब दुनिया एजुकेशन पर क्यों ज़्यादा खर्च बढ़ाना चाहती है? क्योंकि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज हेल्थ और एजुकेशन ही होती हैं जिससे आपकी समाज बेहतर बनती है। आइए विभिन्न देशों पर जान लेते हैं किस देश में कितने प्रतिशत GDP पर खर्च होता है। तो यहाँ पर 5% करता है USA, कोरिया, मंगोलिया, केन्या, मलेशिया, यह देश 5% करते हैं, भारत करेगा 6%। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा को भाषा का माध्यम क्या होगा? तो डियर एस्पायरेंट, ये बहुत ही अच्छी पहल है, यहाँ पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा तक भी 5 कक्षा तक स्कूली शिक्षा दी जाएगी।
यहाँ पर यह भी कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। अभी होता क्या है, वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को अंग्रेजी रटने के लिए बाध्य किया जाता है, इसके कारण उनकी सोचने की और सृजन क्षमता कम होती है, इसलिए उन्हें मातृभाषा अर्थात हिंदी और अन्य लोकल लैंग्वेजेस में भी वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 के फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू की गई है, तो डियर एस्पायरेंट यह की गई है 5+3+3+4। आइए हम डिटेल्स में जानते हैं। 5 का अर्थात है स्कूल के पहले 5 साल उसको नर्सरी, 3 क्लास, 1 क्लास और 2 क्लास समेत फाउंडेशन स्टेज होगी। फिर अगले 3 साल उसको 3 से 5 तक के चरण में विभाजित किया गया है। फिर उसके 3 साल बाद इसके बाद मध्यम 3 चरण होगा, मध्यम 3 साल इन्हें कहा जाएगा, जिसकी एज होगी 11 से 14। फिर अंतिम 4 जो है वो है माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष, इस प्रकार से 5-3-3-4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास के वोकेशनल कोर्स शुरू करने के प्रावधान है, तो डियर एस्पायरेंट यह 2020 में यह निर्णय लिया गया है कि 6 क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान दिया गया है। अभी तक वोकेशनल कोर्स अर्थात व्यवसायिक पाठ्यक्रम 10वीं के बाद शुरू कर सकते थे। व्यवसायिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं, हमारे ITI कोर्सेस, पॉलिटेक्निक कोर्सेस, 10th के बाद कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है नई एजुकेशनल पॉलिसी में आपको 6 क्लास से ही आप किसी वोकेशनल कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, वोकेशनल मीन्स छुट्टी के दौरान, लेकिन इसके कोर्स को क्लास 6 से ही जोड़ दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष के तहत हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है, तो एजुकेशन फॉर ऑल यह किया गया है वर्ष 2030 में। अब आइए इसका प्रावधान जान लेते हैं। NCERT द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू होगा, बच्चों के लिए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू होगा और इसमें रिपोर्ट्स कार्ड, लाइफ स्किल्स शामिल होंगे। पढ़ाई नई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, बोर्ड एग्जामों को 2 भागों में रिफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर हर बच्चे तक एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2030 चुना गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षाओं के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात की गई है, तो यहाँ पर भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन होगा। अब यहाँ पर जान लेने वाली बात यह है कि इससे पहले जो एजुकेशन संस्थाएं होती थीं, जैसे कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होते थे, यहाँ पर कॉमन एग्जाम ही कंडक्ट होकर एडमिशन मिल पाएगा। यह बहुत ही अच्छा रिफॉर्म लेकर आएगा, विद्यार्थी भटकेंगे नहीं, अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधार बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। अंडर ग्रेजुएट कई स्तर पर विभाजित करने का प्रावधान है, ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 साल का हो सकता है, स्टूडेंट चाहें तो किसी भी कोर्स को छोड़ सकते हैं और वापस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे हमारा स्टार्टिंग में ही हमें साइंस साइड, आर्ट साइड इस तरह से विभाजित हो जाते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आप संगीत में रुचि रखते हैं तो मैथ के साथ साथ आप संगीत भी सीख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है, तो डियर एस्पायरेंट इसके लिए किया गया है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। आइए अब डिटेल्स में जान लेते हैं। रिसर्च संबंधित काम करेगा, यह एपेक्स बॉडी होगा अर्थात सर्विस सील्स पर काम करेगा, इससे संबंध सारे देश के विश्वविद्यालय होंगे। अभी तक UGC होता था अर्थात अंडर ग्रेजुएट काउंसिल होता था, अब वर्तमान में यह होगा द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को कितने वक्त में चरणबद्ध तरीके से ऑटोनोमस बनाने की बात की गई है, तो डियर एस्पायरेंट ऑटोनोमस सभी विद्यालयों को किया जाएगा 15 साल में। यह हायर एजुकेशन के ढांचे को बदला जाएगा, यहाँ पर एग्जाम और सारी चीज़ें अपने कॉलेज स्तर पर स्वयं ही कॉलेज कंडक्ट करा सकेंगे, इससे स्वायत्तता मिलेगी, यूनिवर्सिटी पर डिपेंडेंसी कम होगी, वे खुद ही एग्जाम कराएंगे, खुद ही डिग्री देंगे। इसके लिए राज्यों को मैकेनिज्म अर्थात तंत्र डेवलप करने होंगे, हर कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल बनानी होगी। इसके लिए ऑटोनोमस अगर कॉलेज नहीं बन पाए तो वह यूनिवर्सिटी का हिस्सा अर्थात कंस्टिट्यूट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो डियर एस्पायरेंट यह किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो डियर एस्पायरेंट यह किया जाएगा IITI, इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यदि यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, IIIT से आप IIIT से मिलता जुलता है, IIIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होने का टारगेट रखा हुआ है, तो राइट आंसर है यहाँ पर 2050 तक यहाँ पर स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम में 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। यह बेसिकली हो क्यों रहा है, जैसे कि हम चीन को देख लें तो वहाँ पर एजुकेशन
मैन्युफैक्चरिंग बेस होती है, वहाँ के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग स्किल दिए जाते हैं, इसलिए चाइना आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बना हुआ है। इसी तरह भारत ने भी अपना इनिशिएटिव उठाया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है, इसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने किया था? तो डियर एस्पायरेंट, इसको किया था के कस्तूरी रंगन। आइए के कस्तूरी रंगन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वह इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं और इस समय उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक पैनल गठन किया है। पिछले वर्ष 2019 में इस पैनल को HRD मिनिस्ट्री को नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट पेश किया था। मंत्रालय ने इसके सुझाव मांगे थे, 2.25 लाख सुझाव आए थे और इसमें कस्तूरी रंगन का सुझाव एक्सेप्ट किया गया है। तो वह इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। यह था हमारा आज का करंट अफेयर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी।